दोस्तों, किसिंग हमारे यहाँ आम और साधारण से रोमांटिक लाइफ का एक हिस्सा है। और अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए कि किसी और को इस तरह से छूना बहुत ही अजीब है, और वो भी तब जब आपको पता हो कि इससे एक्टिविटी सलाइबा एक्सचेंज होने का भी चांसेस है, तो ये पता और भी ज़्यादा खराब लगने लगती है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि किसिंग हमारे कल्चर का हिस्सा कैसे बनी, इसे इन्वेंट किया गया था या फिर हमेशा से हम किसिंग करते आ रहे हैं। एक थ्योरी यह भी कहती है कि हो सकता है भारत ने पूरी दुनिया को किस करना सिखाया। जी हाँ, भारत ने। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसिंग के पीछे की साइंस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसिंग को लेकर दो मेन थ्योरी प्रचलित है। पहले ये कहती है कि किसिंग नेचुरल नहीं है और इसे इंसानों द्वारा इन्वेंट किया गया है। वहीं दूसरी थ्योरी को मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि ये पूरी तरह से नेचुरल है और इसकी जड़ें हमें एवोल्यूशन में मिलती है। पहली थ्योरी के मुताबिक सुमेर और पुरानी भारतीय सभ्यता में किसिंग के सबसे पहले प्रूफ मिलते हैं। बीबीसी द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 160 कल्चर में से 40% लोग प्यार जताने के लिए किस करते हैं। ये थ्योरी ये भी मानती है कि जब सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया था, तब पहली बार उन्होंने किस करने के बारे में सोचा। सिकंदर और उनकी सेना ने पूरे यूरोप में किसिंग को फैलाया। इस वजह से दुनिया के ज़्यादातर कल्चर, जैसे कुछ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्राइस में कभी किसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाया। काम सूत्र में भी वापसियाएं से लेकर पूरा चैप्टर किसिंग को ही समर्पित किया है। माना यह भी जाता है कि इस तरह भारत से ही पूरी दुनिया भर में किसिंग करने का परंपरा फैली। एनसीडी के उत्तर कुछ लोग किस करने के पीछे अलग ही वजह बताते हैं। इस ग्रुप का कहना है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई प्रजातियां भी किस करती हैं, और इसका रिश्ता उनके बचपन से ही हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर पंछी अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त अपने मुंह से ही खाना खिलाते हैं। सिर्फ पंछी ही नहीं बल्कि इंसानों में सबसे करीबी कजन में से एक बंदर और एप्स में भी ये परंपरा देखी गई है। और माना यह जाता है कि जब तक इंसानों ने बच्चों को खिलाने के लिए बाकी चीज़ें नहीं बना ली, तब तक इंसान भी ब्रेस्ट फीलिंग के अलावा इसी से ही बच्चों को खाना खिलाया करते थे। इसी तरीके से खाना खिलाने में बच्चों को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो माँ के दूध में नहीं होते हैं। साथ ही विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स को चबाए बिना नहीं तोड़े जा सकते, और ये काम भी बच्चों की माँ ही करती थी। किसिंग के साथ एक फैक्ट ये भी है कि पैदा होने पर एक बच्चा 20 से 25 सेंटीमीटर दूर तक ही देख सकता है, और अगर जंगल जैसी जगहों पर माँ और बच्चों के बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें पहचान ले, तो वो भी किसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इस खाना खिलाने वाले लॉजिक पर अभी भी साइंटिस्ट डटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से ही किसिंग डेवलप हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि किसिंग इसलिए बच्चों को अच्छी लगती है कि क्योंकि उनमें करीबी रिश्ते के लिए ज़रूरी था, और बच्चों के DNA में इस तरह के करीबी को ढूंढना शामिल है। अब इसे उदाहरण से समझिए। हैरी हार्डो नाम के एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक बंदर के बच्चों को पैदा होते ही उसकी माँ से अलग कर दिया और एक पिंजरे में डाल दिया। इस पिंजरे में एक इसकी डमी माँ थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक मुलायम कंबल ओढ़ दिया था, जिससे फर्क की फीलिंग आए। और उसी पिंजरे में एक और डमी था जो बिल्कुल भी किसी जानवर की तरह नहीं दिखता था, लेकिन इसके मुंह से खाना निकलता था जो वो बच्चा खा सकता था। जब हैरी ने पिंजरे के अंदर उस बंदर को डराना शुरू किया, लेकिन जब भी उस बंदर को डराया जाता था तो वो पहले वाले डमी के गले लग जाता था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि बच्चों को किस करना एक जीवन जीने की नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिक ज़रूरत थी, जिससे उन्हें सेफ महसूस हो सके। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण साइंटिस्ट एवोल्यूशन को मानते हैं। हाँ, ये सच है कि किस करते वक्त आप 8 करोड़ बैक्टीरिया को एक्सचेंज करते होते हैं, लेकिन उसी सलाइबा में एक बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बता रही होती है कि जिसे आप किस कर रहे हैं, क्या वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और उसकी जेनेटिक हेरिटेज क्या है, और उसी से हमें किसिंग अच्छी और बुरी लगती है। साइंटिस्ट का मानना यह है कि इस टेक्निक से उस वक्त लोग ये समझने में सक्षम हुए थे कि उन्हें कैसे लोगों के साथ अपना परिवार बनाना है।
ताकि वो सभी गुण उनके बच्चों में भी आ जाए। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित हुआ था कि उन लोगों से ही केवल आकर्षित होता था जिसका डीएनए उसे अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता था। किसिंग के अच्छे लगने के पीछे एक कारण यह भी है कि किस करने की सेंसेशन आपके दिमाग को उसी फीलिंग में एहसास कराती है जो एक बच्चा अपने माँ के साथ महसूस करता है। इसी वजह से किस करते वक्त हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। किसिंग को लेकर भारतीय संस्कृति के अलावा और भी कई जगह सबूत मिले हैं, जैसे कि माना जाता है कि पोरेसिया में लोग अपने सोशल स्टेटस के बराबर के लोग को ओठों पर किस करते थे और जबकि उनके कम सोशल स्टेटस के लोगों को गालों पर करते थे। आज भी एक स्टडी के मुताबिक एक औसत व्यक्ति अपनी जिंदगी में 20,000 घंटे किसिंग में खर्च करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक किस करने का रिकॉर्ड था थाईलैंड के एक कपल्स ने बनाया था, जिन्होंने 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड तक एक दूसरे को किस किया था। इस बीच उन्हें कई बार बाथरूम ब्रेक भी लेना पड़ा, जो कि उन्होंने किस करते वक्त ही किया। साइंटिस्ट जहां ये मानते हैं कि किस करने से 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज किए जाते हैं, वही और किसिंग को गलत नहीं मानते हैं। उनका मानना यह है कि क्योंकि आप उतने बैक्टीरिया एक्सचेंज करते हैं, उससे आपके शरीर की इम्यूनिटी और भी बेहतर हो जाती है, और अगर कभी उस बैक्टीरिया निर्बल होकर कोई भयानक रूप ले लिया तो आपके शरीर में उससे लड़ने की ताकत पहले से ही होती है। किस करके अच्छा क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक साइज है। और पेचीदा बात यह है कि जिसे पहली बार किसी को किस करने पर आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो और आपके दिल की धड़कन वेग एकदम से बढ़ देती है। लेकिन अगर आप एक ही इंसान को बार बार किस करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है जो हर बार आपको बॉन्ड उस इंसान से बढ़ा देता है, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्या किस नेचुरल है या फिर या किसी के द्वारा धरती पर लाया गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या सोच है आपकी, हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।